नगर परिषद के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के बाद अब कांग्रेस के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने अपने ही विधायक धनीराम शांडिल पर निशाना साधा है और उन पर आरोप लगाए हैं कि सोलन को नगर निगम का दर्जा नहीं मिल पाने में केवल एकमात्र जिम्मेदारी स्थानीय विधायक की है। कांग्रेस पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत यही नहीं रुके, उन्होंने विधायक शांडिल को नगर निगम के मुद्दे को लेकर एक मंच पर बहस की चुनौती तक दे डाली और कहा कि न जाने किसके इशारे पर विधायक ने उनका पक्ष कैबिनेट में नहीं रखा। कुल राकेश पंत ने इस मौके पर कहा कि अगर विधायक शांडिल चाहते तो सोलन को नगर निगम का दर्जा मिल सकता था, लेकिन शायद वे सोलन के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोलन नगर निगम की मांग को कैबिनेट में नहीं रखा। उन्होंने इसको विधायक की नलायकी बताते हुए कहा कि शांडिल वोटों के चक्कर में ये भूल गए कि उनका दायित्व सोलन की जनता के प्रति भी है। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम संघर्ष समिति को जब सभी भाजपा व अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था तो स्थिति में विधायक को उनकी मांग को कैबिनेट में रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनका ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सोलन को इसका दर्जा नहीं मिल जाता। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ये महसूस करती है कि जो संघर्ष हम लोगों ने 16 जुलाई से शुरू किया था, उसके बाद 23 जुलाई को हम स्थानीय विधायक और मंत्री श्री शांडिल जी से भी मिले थे और उस दिन उन्होंने अश्योर किया था कि अगली कैबिनेट की बैठक में इसको नगर निगम बना दिया जाएगा। उसके बाद करीब 8 से ज्यादा कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और इस इशू को कहीं उठाया नहीं गया। नगर निगम संघर्ष समिति ऐसा मानती है कि मंत्री जी का इस मामले में बड़ा नकारात्मक रवैया रहा है और किसी भी जनप्रतिनिधि से विकास के मामले में इतना नकारात्मक जो उनका रवैया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। संघर्ष समिति इसकी कठोर भर्त्सना करती है और एक संकल्प लेती है, नगर निगम दिलाकर ही चुपचाप बैठेगी।